सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रख्या वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हां जो जीवन साथी तव्हां जो इंतज़ार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुन जो सिंधियुन सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पक्ष है जिसमें जो आज प्रवेश कर रहा है वो कल का नेता है। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में मोदी जी का 9 वर्ष का जो कार्य है उन सब से प्रभावित होकर कई लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में नीरज साधवानी जी, अनिल जैसवार जी पार्टी के पहले से ही पदाधिकारी हैं, कई हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। रोज के ऐसे कार्यक्रम है जो लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। यह जो मोदी जी ने 9 वर्षों में अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी कार्य थे उन सबको पूरा किया है, उनसे प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे उल्लासनगर में कुमार ऐलानी जी, विधानसभा के जो कार्य हैं रोज नए नए कार्य हो रहे हैं, एक से एक सेवा के कार्य, गरीब से गरीब व्यक्ति तक हम शासन की सेवाएं कैसे पहुंचाएं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का यही लक्ष्य है। आज इनकी पूरी टीम, इतने सारे युवा कार्यकर्ता, आप एक एक के चेहरे पर देखें, जो अपने घर परिवार को चलाने के साथ साथ अपनी नौकरी, अपना सर्विस, अपना व्यवसाय करने के साथ साथ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हिंदू संगठनों से जुड़कर जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत जल्द हमने जितने भी वादे किए हैं सब पूरे किए हैं। आप देख रहे हैं राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, 2024 में भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार होगा और हमारी लाखों की सेना हमारे साथ अयोध्या दर्शन के लिए जरूर चलेगी। मैं सभी युवाओं को यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय है,
कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति जिसकी तरफ कोई नहीं देखता है, वहां तक भी हम सरकारी सेवाएं, शासन की सेवाएं पहुंचाएं और गरीब लोगों का भला करें। कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को 2.5 वर्ष तक मोदी जी ने मुफ्त में अनाज दिया। ऐसे गरीब से गरीब परिवार पे हम सेवा के कार्य करें, यही भाजपा का लक्ष्य है। मुझे पूर्ण यकीन है कि हमारी पूरी टीम नीरज जी के साथ मिलकर गरीब से गरीब व्यक्ति तक शासन की सेवाएं पहुंचाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे संगठन श्री राम हिंदू सेना के नीरज साधवानी हिंदू, ये तकरीबन कई सालों से हिंदुत्व के लिए, देव देश और धर्म के लिए कार्य उल्लासनगर, उल्लासनगर के आसपास के सभी परिसरों में इनका काम चल रहा था। नीरज जी तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गया श्री राम हिंदू सेना के, ये महासचिव के पद पर संगठन में हिंदुत्व के लिए इन्होंने गली गली तक, जहाँ पे हिंदू बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अलग अलग प्रकार से जिहाद या उनके अत्याचार होता है, इसके लिए नीरज जी गली गली तक तत्पर थे संगठन के माध्यम से। आज नीरज जी ने भाजपा में, इन्होंने बोला कि अब हमें भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए, जिसका कोई पारिवारिक मूल नहीं है, वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए पार्टी ये कार्य कर रही है तकरीबन कई सालों से। तो आज नीरज जी ने फैसला लेके हिंदुत्व के लिए एक हिंदू पार्टी जो देव देश और धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बात करती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी में नीरज जी ने संगठन के माध्यम से प्रवेश लिया। इनका मैं और वह हमारे सभी श्री राम हिंदू सेना वह भाजपा परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़ के देव देश और धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, अपनी माता और बहनों के लिए कार्य करते रहे। जम्मू भाई की अध्यक्षता में नीरज भाई आज से कार्य करेंगे, इसके लिए सभी लोग नीरज भाई को आशीर्वाद देंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।